वो भी एक टाइप का नशा ही है ना, किसी से बात नहीं करना, कुछ नहीं करना, अपने आप में ही रहना। तो यहाँ पे जो आप लोगों ने चॉइस की थी वो दिखाई देती है लोगों, समझ में आया? आपके साथ साथ आप लोगों को भी वो सिचुएशन में खींच लेते हैं, है ना? तो इसीलिए फिर हम लोगों को, लेकिन एक बात पॉजिटिवली लेनी चाहिए कि हम लोगों का ये चीज जो नजर आता है ना, इसीलिए हम लोग तुरंत रिहैबिलिटेशन सेंटर पे आके जो हमारी दिमाग की प्रोग्रामिंग है उसको ठीक कर सकते हैं, है ना? तो इसको आप एक संधि या अपॉर्चुनिटी समझ के यहाँ पे आप सीखिए, जितना सीख सकते हैं लीजिए, जितना आपको लेना है। जरूरी नहीं कि हर बार हर कोई सही आके चीज बता के जाए, है ना? और जैसे कि सबको मीठा पसंद है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सबको रसगुल्ला ही पसंद आए ना। किसी को गुलाब जामुन पसंद आएगा तो किसी को थोड़ा कम मीठा पसंद आएगा, किसी को बहुत ज्यादा मीठा पसंद आएगा, उसमें भी वेरिएशन है, है ना? वो भी ब्रेन का ही है आपका प्रोग्रामिंग, क्योंकि हम पहले से बोलते हैं ब्रेन को, अरे भाई बहुत मीठा है, बहुत मीठा है, बहुत मीठा है, एक चम्मच शक्कर भी खाएंगे, अगर मैं आपको सामने बैठ के बोलूँगी ये बहुत मीठा है, बहुत मीठा है, बहुत मीठा है, आपके दिमाग में क्या होगा? एक चम्मच शक्कर बहुत मीठी, ऐसी प्रोग्रामिंग फिट हो जाएगी। आप खा लोगे ना तो बहुत मीठा लगेगा। और टेक टू, एक घंटे के बाद में अगर मैं बोलूँगी ना ये ना बिल्कुल मीठा नहीं है, एक टेबल स्पून चीनी जो है बिल्कुल मीठी नहीं है, बिल्कुल मीठी नहीं है, दिमाग में फिट कर दी जाओगी ना, आपको वो मीठा नहीं लगेगा। ये एक सिंपल टर्म में न्यूरो लिंग्विस्टिक लैंग्वेज के बारे में। तो आपको हमें अभी यहाँ पे हम लोग क्या सीख रहे हैं कि हमारे दिमाग को, हम अगर कोई सिचुएशन आती है तो उसे काबू कैसे किया जाए, काबू गलत वर्ड है, लेकिन हम हाँ उसको जो है अलग वे से कैसे हैंडल कर सकते हैं और बेहतर तरीके से या अच्छी तरीके से हम हाँ कैसे उसको वो जो टाइम है या जो सिचुएशन है उसको अच्छी तरह से हम हाँ कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना? समझ में आ रहा है आपको? yes. जैसे कि आमतौर पे आदमी लोग क्या करते हैं, तुरंत गाली देना शुरू कर देते हैं, है ना? औरतें देती है क्या गालियाँ? वो थोड़ा सुन लेती है, क्योंकि औरतों को वैसे ही जेनेटिकली बोलो या फिर उनकी जो उनको जो जब पैदा करते तो माँ बाप वैसे ही बोलते हैं लेडी है, सुनना चाहिए, सुनना चाहिए, तो वो लोग वैसे ही ट्रेन हो जाते हैं, कंडीशनिंग उनकी वैसी होती है, है ना? तो वो लोग पहले सुनते हैं थोड़ा टाइम के लिए, फिर वो लोग शायद आपको एक बार बोलेंगे, दो बार बोलेंगे, तीसरी बार फिर जो उनका बड़का उठेगा वो उठेगा, है ना? तभी हम बोलते हैं क्या चंडिका है ये वो। तो इसीलिए संयम रखना, सिचुएशन को कैसे हैंडल करना, ये सब हम सीखते हैं। लेकिन हम दुनिया को बदल सकते हैं क्या? किसको बदलना है? सुनाई नहीं दिया? हमें अपने आप पे काम करना है, खुद को चेंज करना है, चेंज भी नहीं करना है, बेटर करना है। और जैसे हर साल मोबाइल का वर्जन चेंज होता है, मोबाइल वही रहता है ना, जैसे एप्पल का आता है एप्पल फोन, पता है सबको एप्पल का नया नया वर्जन आता है ना? yes. लेकिन देखो एप्पल की खासियत देखो, एक ही कुछ तो आइटम चेंज होगा उसमें, लेकिन उसकी प्राइस कितनी बढ़ जाती है, ऑलमोस्ट डबल के आसपास हो जाती है। तो हमें वैसा बनना है जिंदगी में, कुछ एक ही ऐसा चेंज करो अपने आप में, या एक ऐसा कोई एडिशन डालो अपने आप में कि आपका जिंदगी का वैल्यू जो है ना उतना बढ़ना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? yes. ये है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम और कुछ नहीं। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम में हम लोग भी मतलब हम बोलते ना कि बातें जो है हम सिर्फ वर्बली या वॉइस से नहीं होती, हमारी बातें आंखों से होती है, बॉडी से होती है, है ना? जैसे बच्चों को चुप कराना हो तो बस एक बार देख लो उनको घूर के, तो वो लोग समझ जाते कि भाई चुप बैठना है ना? yes. तो बस ऐसी बॉडी लैंग्वेजेस भी हम यूज करते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। तो कुछ चीज़ें हैं जैसे कि अगर आप राइट, जैसे कि आपका जो राइट हैंड है हम इसको मेल एनर्जी बोलते हैं, लेफ्ट हैंड जो है वो फीमेल एनर्जी रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको जाना होगा इसमें फीमेल एनर्जी ज़्यादा है, मेल एनर्जी ज़्यादा है, तो आप उनके हाव हाव से देख सकते हैं। जैसे अगर मेरा राइट हैंड बार बार हिल रहा है, मतलब मेरे में ठीक
वर्टिकल एनर्जी ज़्यादा, अगर मेरा लेफ्ट हैंड ज़्यादा मतलब मैं यूज़ कर रही हूँ तो मतलब कि सॉरी राइट हैंड ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ मतलब कि मेरे में मेल एनर्जी ज़्यादा। हमें इस एनर्जी को बैलेंस रखना है, ठीक है। इसका अगर कोई मेल जो है उसकी लेफ्ट हैंड यानी कि फीमेल एनर्जी अगर ज़्यादा यूज़ करता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें कोई प्रॉब्लम है, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि वो गे है या तृतीयपंथी है, ऐसा नहीं मतलब होता है। सबने शिवा का सुना होगा, कोई भी धर्म का होगा तो शिवा का सुना ही होगा ना, हम लोग बोलते हैं ना अर्ध नारेश्वर, नारेश्वर है ना, अर्धन और अर्धा नारी, तो शिव शक्ति, शिव मतलब शिव जी, नर शक्ति यानी कि लेडी का रिप्रेजेंटेशन होता है ना, तो इसलिए हम शिव शक्ति बोलते हैं। तो हम सब में साइंस है, ये साइंटिफिकली मेल फीमेल एनर्जीज हम में होती है, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि अरे नहीं यार ये तो क्या बोलते हैं वो गे है, समझते हैं ना आप लोग, गे है या तो फिर ट्रांसजेंडर है, ये सब नहीं है, नॉर्मल होना ही चाहिए। अगर आप में फुली मेल एनर्जी या फुली फीमेल एनर्जी नहीं है ना, अगर होगी तो मतलब कुछ गड़बड़ है आपके बॉडी में, तो ये होता भी नहीं है साइंटिफिकली, समझ में आया है आपका। तो मैंने ये कवर किया था लास्ट टाइम, एक्चुअली मैंने प्रिपेयर किया नहीं था आज सेशन के लिए, अभी सर ने फीडबैक दिया, इसीलिए नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगी कि आपका राइट हैंड आपको अगर फ्यूचर में कुछ करना होगा तो कौन सा हैंड यूज़ करना चाहिए। जैसे कि हम लोग अभी जैसे मैं बात करती ना, आपने देखा होगा हम बोल दूँ तो मेरे पास आते हाथ, तो मतलब ये क्या होता है, जेन्युइनली मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास है, मतलब आप सच्ची में बिलोंग करते हो, मैं आइडेंटिफाई करती हूँ आप लोगों को मेरे से, समझ में आ रहा है आपको। तो मैं एनर्जी, आपकी एनर्जी भी है वो भी मेरे पास ला रही हूँ, ये एनर्जी वाइज टेक्निक क्या बोलते हैं उसको, एनर्जी वाइज भी आप लोग सब मतलब मैं यहाँ पे लेके आ रही हूँ, समझ में आ रहा है आपको। कोई भेदभाव या कोई नहीं, हम लोग दिल में कभी कोई भेदभाव नहीं रखते है ना। कोई एनर्जी आपको नहीं चाहिए होगी तो आप उसको क्या करोगे, सिंपली बात करते वक्त उसको ऐसे करना है, वो आपके पास आती नहीं है। ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं स्पिरिचुअल इस पर भी जाता है, बट हम लोग जनरली न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम में यानी कि दिमाग की प्रोग्रामिंग में जब भी हम कुछ बात करते हैं ना, तो हम अपनी बॉडी को उस तरह से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये सर के साथ में मेरा झगड़ा हो गया, तो ऑब्वियसली झगड़ा हुआ तो मेरे दिमाग में इनके बारे में कुछ अच्छा तो नहीं होगा, गुस्सा ही होगा ना, और सेम उनके दिमाग में मेरे लिए गुस्सा होगा। लेकिन जब मैं इनके लिए नेगेटिव सोच रही हूँ, मतलब पागल है वो, उनको कहिए है वो है, तो उनको तो नहीं लगता, वो एनर्जी लेंगे क्या मेरी, लेना चाहेगा कोई, बात करते हो सिर्फ उसको भेज दो वापस, ऐसे करना है, मतलब कोई भी तरीका ढूंढ लो जिससे कि सामने वाले को पता नहीं चलेगा, अगर मैं इनको ऐसे ऐसे करूँगी बोलेंगे ये क्या करिए, पता नहीं क्या करिए, ऐसे ऐसे क्या करिए, तो आप एक भेज दो, ठीक है। या फिर अपना बॉडी को क्रॉस कर लो या हाथ क्रॉस कर लो, क्रॉस करने से आपके पास वो एनर्जीज नहीं आती, समझ में आ रहा है आपको। कभी इसीलिए पढ़ाई करते वक्त कोई भी नई चीज़ जो सीखते हैं ना आप, वो हमेशा ऐसा अकेले खुला रखनी चाहिए, रख के बैठना चाहिए, कोई भी बॉडी का पार्ट में क्रॉस करके नहीं चाहिए। जब आपको कुछ सीखना होगा, आप पढ़ाई भी करते हैं, आप बच्चों को बोल सकते हैं, आपके घर घर में बच्चे हैं, पढ़ाई करते हैं ना, तो कभी कई बार तो बच्चा ऐसा बैठता है या ऐसा हाथ भी क्रॉस कर लेता है, पैर भी क्रॉस कर लेता है, अगर मांडी डाल के बैठे तो उनको बोलना बिल्कुल खुले इसलिए बैठ के आपको पढ़ाई करनी है ना, इसलिए हम लोग वो कहावत भी बोलते हैं ना, खुले दिल से खुले मन से, तो ऐसे करोगे तो सब आ जाते हैं, जन्नत आ जाती है, समझ में आ रहा है आपको। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन है, हमारी ब्रेन की लैंग्वेज हमें कैसे यूज करनी है वो सब काफ़ी वास्ट है, बहुत बड़ा है, पर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ी मुश्किल बात नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, जो भी है इसको आपको रोज़ प्रैक्टिस करनी है आपके लाइफ में। आप एक बार इस चीज़ को रोज़ प्रैक्टिस करोगे ना अपने लाइफ में, आपको कोई भी
कोई बीट नहीं कर सकता है। आप कोई भी आपका झुकाव जो है कोई भी अननेसेसरी चीज़ों की तरफ नहीं होगा, यानी कि जो चीज़ों की जरूरत नहीं है आपको लाइफ में उस तरफ आपका झुकाव होगा ही नहीं। यहाँ से स्ट्रांग होना जरूरी है। बिरबल पता है ना सबको, बिरबल बिरबल क्या वॉरियर था क्या? युद्ध करने जाता था बिरबल, सुना है कभी? No. शिकार पे जाते थे? No. बिरबल है क्यों फेमस इतना? क्यों फेमस है इतने? चतुर ना, बस इधर से चतुर होना जरूरी है। वो राजा को भी इंस्ट्रक्शंस दे देते बिरबल। राजा सुनते थे या नहीं सुनते थे? उनका सुन के युद्ध जीत के आते थे, आते थे शिकार करने के लिए या न्याय देने के लिए, सुनते थे वो बिरबल का? क्योंकि वो दिमाग की प्रोग्रामिंग बिरबल ने वैसे करके रखी थी ना। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इधर से स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इधर से स्ट्रांग होगा ना तो कोई आपको हाथ नहीं लगा पाएगा, कोई आपका फायदा नहीं उठा पाएगा। समझा न्यूरोलिंग्विस्टिक का मतलब? मतलब दिमाग की भाषा, दिमाग की प्रोग्रामिंग आप किस तरह से करते हो वो। तो हम धीरे धीरे सीखेंगे ये सब, तो कभी हम लोग खेल के थ्रू सीखते हैं, कभी लेक्चर के थ्रू सीखते हैं। ठीक है, कोई सवाल? पक्का? ठीक है, तो फिर आज एक और एक गेम खेल लेते हैं। हाँ, तो ये चीज़ें याद रखो, अपने बच्चों को भी सिखाओ, बताओ, प्रैक्टिस कराओ। जब भी पढ़ाई करो क्रॉस करके नहीं बैठो। कभी कभी टेबल पर बैठे होंगे तो ऐसे क्रॉस करके बैठेंगे, और ये भी ऐसा होता है टेबल पर ऐसे बैठ जाते हैं। अपने आप को ओपन रखो रिसीव करने के लिए कोई भी। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज चेंज पूरा। अभी आपको ऐसा बैठना है, तो किसने दिमाग की प्रो कहाँ से आया इंफॉर्मेशन? कौन आपकी, आपको कौन कंट्रोल कर रहा है? ब्रेन ना, आप ऐसा भी बैठे तो भी ब्रेन ने ही बताया आपको। ये बात अलग है कि आप सोचते नहीं होगी ब्रेन ने बोला, ब्रेन ने बोला ऐसे आप कर ले तो आपका ब्रेन जैसे गाइड करने लगता है। आपके बॉडी का ऑक्सीजन लेवल कितना हो जाता है उस हिसाब से भी आपकी बॉडी चेंज होने लगती है ना। आप बार बार उबासी लेते हैं, यॉन करते हैं, ब्रेन में जब आपका थोड़ा बॉडी में ऑक्सीजन कम होने लगता है तब आप यॉन करना शुरू करते हैं, थोड़ा सा एकदम कमज़ोर लगने लगता है। इसलिए हम बोलते हैं पानी पियो, पानी पियो, पानी क्यों पियो? पानी का कॉम्प्लेट ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन वापस है ना, पानी। तो आप पानी पीते हो थोड़ा टाइम आपको अच्छा लगता है, लेकिन हम कभी ये साइंटिफिकली सोचते हैं क्या? अरे ये नहीं, पानी H2O है और ऑक्सीजन है, कभी नहीं इतना ध्यान देते ना हम लोग। तो अभी से हर चीज़ का ध्यान दिया करो कि पानी पीने के बाद ही क्यों राहत मिलती है जब मेरे को नींद आ रही होती है। तो आप सप्लाई दे रहे हो ना ऑक्सीजन का, समझ में आ रहा आपको? बस यही हाँ, ब्रेन से आता है ना आपको। अभी आप गुस्सा हो गए, दिमाग दिमाग भड़क गया, आपका हाथ अपने आप उठ जाता है ना कभी कभी। तो अगर आपके दिमाग को प्रोग्राम करोगे कि भाई हाथ नहीं उठाना है, कितना भी गुस्सा आने दो तो उठेगा क्या? नहीं। किसी किसी का आवाज़ चढ़ जाता है बहुत, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे कि आवाज़ चढ़ा के बात नहीं करनी, मुझे ये ही पर्टिकुलर शब्द इस्तेमाल करनी है, तो आपका दिमाग गर्मी यूज करेगा। समझ में आ रहा है आपको? ये सब किसके हाथ में है? हमारे हाथ में। और हम किसी से एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, और मतलब करना भी नहीं चाहिए ऑनेस्टली। ठीक है, और कोई सवाल? पक्का? मैडम मेरा मेडिटेशन काम है। मेडिटेशन हाँ, यस यस एब्सोल्युटली। आप मेडिटेशन करोगे, कल ही एक्चुअली मैं मेरे फ्रेंड से मिलने गई थी, काफ़ी टाइम बाद मिली है, ऑलमोस्ट 10-12 साल के बाद में। तो वो मुझे पूछ रहे थे मैं क्या करती हूँ, मैं काफ़ी सारी स्पिरिचुअल चीज़ें आध्यात्मिक चीज़ें करती हूँ। तो वो मुझे काफ़ी क्वेश्चंस पूछ रहे थे, तो मैंने कहा ये जो मैं चीज़ करती हूँ आध्यात्मिक, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। हमारे पूर्वज करते थे बिना कोई क्लास के, बिना कोई चीज़ के। हम लोग अभी क्लासेस लगाते हैं ये सब चीज़ें सीखने के लिए, या गुरु ढूंढते हैं, लेकिन हमारे जो पूर्वज है ये अपने आप
नेचर से, क्यों पता है? क्योंकि वो जो है ना अपने आप में रहना जानते हैं, अपने साथ रहना, नॉट अपने आप में, अपने साथ रहना, खुद के साथ। क्या हम कभी खुद के साथ रहना जानते हैं कैसे रहना चाहिए? खुद के साथ रहना, हम बोलते अगर मैं अकेला बैठा रहता हूँ ना मेरे दिमाग में नेगेटिव सोच आएगा, है ना? क्यों ऐसे क्यों होना चाहिए? अभी तो आप अकेले हो तो एंजॉय करना चाहिए। तो हम अपने साथ रहना ही भूल गए हैं। क्या करेंगे अकेले बैठेंगे तो क्या निकालेंगे जेब से? हाँ, तंबाकू, मोबाइल, सिगरेट, या फिर नेगेटिव, ये झगड़ा हो गया अलगा, अगली बार ऐसा कुछ बोलेगा ना मैं उसको ऐसे ही बोलूँगा, ऐसे ही बजाऊँगा, ऐसे ही करूँगा, वैसे ही करूँगा, है ना? लेकिन खुद का साथ एंजॉय करना सीखते हैं कि हम लोग, अरे यार क्या मज़ा आ रहा है, तो मेरे लिए चाय बना के मेडिटेशन की जब बात आती है मुझे काफ़ी तकलीफ है, तो वो सारे इंसिडेंट्स को सामने आते हैं, तो उस चीज़ से काफ़ी तकलीफ हुई होगी। देर मैं 60 मिनट बोल रहा हूँ, मैं एक आधा घंटा भी बैठा मुझे काफ़ी तकलीफ हो गई, मेरे बॉस को उनका चीज़ें मुझे पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन वो नशे के आदत में मेरे तो नॉर्मली बोल नहीं सकते, वो सारी चीज़ें फिर सामने आने लगी। मेडिटेशन से सभी तकलीफ हुई, दिन स्थापित हो गया है। तो जैसे मैंने कहा ना, एक टेबल एक टी स्पून ऑफ शुगर किसी के लिए बहुत ज़्यादा स्वीट हो सकती है, किसी के लिए कम स्वीट हो सकती है, किसी के लिए नॉर्मल। सिमिलर वे में हर तरीके से जो सिचुएशन है ना, आपकी जो सिचुएशन है, शायद मैं बेटर वे नहीं कर सकती, आप मेरी सिचुएशन बेटर वे नहीं हैंडल कर सकती, तो इसीलिए क्या कहना चाह रही थी, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई, सॉरी। तो हर चीज़ के लिए मैं इस पर वापस आती, मैं क्या कह रही थी, मैं खुद ही डिस्ट्रैक्ट हो गई, सॉरी। अभी जो हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग जब साथ में अकेले अपने आप साथ बैठे रहते हैं, तभी नेगेटिव चीज़ें ध्यान में आने लगती हैं, सोच में क्यों आती है वो, कुछ आइडिया है? हाँ, पर क्यों क्यों? लेस एनर्जी नहीं, कुछ और जवाब दो। सबकॉन्शियस माइंड, हाँ सबकॉन्शियस माइंड में रहता है, बट वो क्यों रहता है सबकॉन्शियस माइंड में? नाराजगी को बचाने के लिए, नाराजगी, हाँ पॉजिटिव एनर्जी को बचाने के लिए नेगेटिव एनर्जी आता है, पॉजिटिव एनर्जी को बाहर नहीं निकलने दे, नेगेटिव एनर्जी छुपा लेता है पॉजिटिव एनर्जी। हाँ ओके ओके ठीक है, कुछ हद तक सही हो। और बोलो आपकी कभी चीज नहीं है? हाँ वही क्यों आ गई? आई डाइवर्ट नहीं करता उसी तरह, मेरा फोकस है, आई डाइवर्ट नहीं करता, प्रैक्टिस ही होता है। ओके दिमाग खाली रहता है तो आप काम करता नहीं करता, अट्रैक्शन। ओके जैसे नहीं जाता, हाँ जैसे, हाँ कोई फ्लैश फ्लैशबैक में क्यों जाते हैं? अभी सर आपका नाम अंकित ने क्या, मैं इस पे आती हूँ कि हमारा दिमाग में क्यों आता है, मैं तो अंदर वो भूल जाऊँ कि अंकित ने क्या कहा था। अभी अंकित ने क्या कहा कि क्योंकि मैं एक एडिक्ट हूँ, क्या कहा उन्होंने? क्योंकि मैं एक एडिक्ट हूँ, समझ में आ रहा है आपको इसमें क्या प्रॉब्लम है?
ये सेंटेंस में हेडिंग सेंटेंस उन्होंने खुद को अपने आप को एक टाइटल दे दिया है, मैं कौन हूँ, पहचान क्या बनाई उन्होंने, मैं कौन हूँ, समझ में आ रहा है उनके, तो ये आइडेंटिटी किसने दी, मैं मुझे किसने दी आइडेंटिटी, तो मैंने बोला अंकित मैं यहाँ पे आई हूँ, मुझे पालो में आप तो हर एक कोई अलग अलग बैकग्राउंड से आया है, लेकिन मैंने कहा अंकित आप कौन हो, आप ये हो, बोला ऐसे, तो हम खुद ही अपने आप को लेबलाइज पहले करते हैं, समझ में आ रहा है, तब वो दुनिया देखने लगती है, आया समझ में, जब आप तैयार, एक बहुत ही सिंपल उदाहरण देती हूँ, जब आप तैयार होते हो अच्छे से, सबसे पहले कौन देखता है आपको, जब आप अच्छे से तैयार होते हो, कौन देखता है, कहाँ देखते हो अपने आप को, फिर बाद में जाके बाहर जाते हो तो बाहर भी लोग देखते हैं ना, तुम्हारी आज बहुत अच्छे लगते हो, क्या शर्ट है, क्या परफ्यूम है, क्या पैंट है, क्या जीन्स है, क्या घड़ी है, है बराबर, तो सबसे पहले अपने आप पे लेबल लगाना बंद करो, कोई एडिक वेडिक नहीं होता है, समझ में आ रहा है कि आपको ये आपकी प्रोग्रामिंग है, आपने वैसे कर ली, फिर बाद में खुद ही अपने आप को लेबलाइज कर रहे हो कि मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं दीवाना हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो है, क्या वैसे है क्या एक्चुअली, अभी आप कंफर्टेबल हो आपकी एज शेयर करने के लिए, क्या एज है अभी आपकी, कितना 35, तो अभी 35 मतलब बहुत ही यंग है ना, तो अभी तो और मान लो कि चलो 100 साल भी है, तो मतलब और कितना 65 years, क्या आप वही लोगे, मैं एक एडिक्ट हूँ, नहीं ना, आपकी जिंदगी जो है इससे भी और कई ज्यादा बहुत ही ऊंची लेवल की है, थोड़ा सा पानी पी लो सर, पानी पी लो, थोड़ा सा पानी पी लो, कोई बात नहीं, पी लो ना पानी तब ठीक है ना, तो खुद को लेबलाइज करना बंद करो, क्योंकि जैसे आप आपको रिप्रेजेंट करोगे ना लोगों के सामने, लोग आपको उसी तरह से लेंगे, समझ में आ रहा है आपको, आपने कभी नोटिस किया होगा, हम लोग ना बहुत नॉर्मली बात करते हैं दोस्तों के साथ में, नहीं यार मैं तो ऐसा हूँ, मेरे को ना मैं गुस्सा आया ना तो मैं तुरंत बोल देता हूँ, मैं मुझे गुस्सा आया सबको बोलोगे आप, मुझे गुस्सा आया तो मैं तुरंत बोलता हूँ, मुझे गुस्सा आया तो मैं तुरंत बोलता हूँ, लेकिन एक्चुअली रियलिटी वैसे नहीं होती है, आप चुप बैठे रहते हो गुस्सा आया तो, लेकिन क्योंकि आपने दूसरों को ऐसा सब बोला है तो सब 10 लोग और भी 10 लोगों को बताएंगे, हुआ है आपके साथ ऐसे, जैसे मैं मेरे घर में शेरनी बनती है ना, कोई मुझे कुछ बोलेगा तो मैं बोल देती हूँ घर में, लेकिन जैसे मैं बाहर जाती हूँ ना, मैं घर में बोलती हूँ, उसने मुझे ऐसे बोला, उसने मुझे वैसे बोला, मैं अभी जाऊँगी वापस ऐसे बोला तो मैं उसको ऐसे बोलूँगी वैसे बोलूँगी, रियलिटी में जब मैं बाहर जाती हूँ तो मैं बहुत ही नम्रता से बात करती हूँ, मैं बात ही नहीं कर पाती जैसे मैंने घर में बोला, तो मेरे घर वालों को लगता है कि मैं गुस्से हूँ, मैं चिड़खोर हूँ, बट ऐसा है क्या, रियलिटी में नहीं है, तो किसने उनको जब बताया कि मैं कन्विंस कराया गुस्से वाली हूँ मैं, मैंने खुद ने ही ना, खुद ने ही मार्केटिंग की है मेरी इस तरह से, है ना, समझ में आ रहा है आपको, तो ये जो एडिक्ट हूँ मैं, नशा करता हूँ मैं, दारू पीता हूँ मैं, ये करता हूँ, करते तो हो, बट इसकी पब्लिसिटी किसने की, खुद ने की ना, तो उसके लिए आपको खुद को ही सुधारना पड़ेगा कि भाई ये पब्लिसिटी मुझे करनी नहीं है मेरे बारे में, मैं इसके भी और ऊपर हूँ, जैसे ये सर कलाकार है ना, तो और भी आप में किसी सब में एक कोई ना कोई टैलेंट होगा, कोई अच्छा खाना बनाता होगा, कोई अच्छा हेयर ड्रेसर होगा, कोई अच्छा लॉन्ड्री का काम करता होगा, तो ऐसे अलग अलग टैलेंट सब में है, बस उसको तराशने की ज़रूरत है, उसको समझने की, जैसे इसलिए मैं कहती हूँ खुद के साथ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नेचर के साथ, नेचर में देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हमारे पूर्वज जो है ना ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते थे, इसलिए उनके पास में सल्यूशन आते थे, कहीं झगड़ा चल रहा है देखो सुनो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अगर मैं ये सिचुएशन में हूँ तो मैं कैसे हैंडल कर सकती हूँ,
मैं कौन से शब्द इस्तेमाल कर सकती थी या मैंने रिएक्ट करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। अभी ये सब के साथ मेरा झगड़ा हो गया इस बात में, तो मैं सोचूंगी यार मैं क्या ही जवाब दूँ, इम्पॉर्टेंट है क्या, मतलब सामने वाला आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है ये आप सोचो, आपकी एनर्जी इतनी इम्पॉर्टेंट है कि सामने बड़बड़ बड़बड़ करते रहते। ट्रेन में हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं खराब फोन सीट के लिए, ठीक है। तो नेगेटिव थॉट्स क्यों आते हैं हम लोग जब अकेले रहते हैं, वो स्टार्ट करने के पहले ना थोड़ा सा हम लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लेते हैं, ऑक्सीजन बहुत लो हो गया है। क्या कर सकते हैं हम लोग, स्कूल में तो है नहीं कि स्कूल के बच्चों वाली एक्टिविटी करें। अच्छा ये क्लोजर वाली बात था, तुम करके गेम खेल लेते ठीक है, ओके। तो हमारे दिमाग में नेगेटिव चीज़ें इसीलिए आती है क्योंकि उसको क्लोजर नहीं मिलता, क्लोजर यानी